अंजू को लेकर पाकिस्तान जैसा जैसा चाह रहा है वो ठीक वैसा ही कर रही है। अंजू ने पाकिस्तान जाते ही इस्लाम अपना लिया और वो अंजू से फातिमा बन गई। अंजू का इस्तेमाल पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी इमेज चमकाने के लिए किया और अब पाकिस्तान से अंजू का जो सबसे ताज़ा वीडियो सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंजू को अभी तक पाकिस्तान की नागरिकता तक नहीं मिली है, लेकिन वो पाकिस्तान की आज़ादी के जश्न मना रही है। पाकिस्तान से सामने आए अंजू के वीडियो में वो पाकिस्तान की आज़ादी के मौके पर केक काटती हुई दिखाई दे रही है और उसके साथ उसका पाकिस्तानी शौहर नसरुल्ला समेत कई और अन्य लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर अंजू का जब ये वीडियो सामने आया तो इसके आते ही बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने अंजू को लेकर तरह तरह के कमेंट किए हैं। लोगों का कहना है कि अंजू को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अभी भी वो नागरिक भारत की ही है और ऐसे में उसका पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस में शामिल होना किसी देशद्रोह से कम नहीं है। आपको बताएं तो 13 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने से पहले पाकिस्तान से अंजू का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें वो नसरुल्ला के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही है। अंजू ने अपने इस वीडियो में भारत की मीडिया पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि वो देशद्रोही नहीं है और मीडिया के कुछ वर्गों ने उसके बारे में झूठ फैलाया है। इस वीडियो में अंजू ने पाकिस्तान की तारीफ भी की है और कहा है कि पाकिस्तान एक बेहद खूबसूरत जगह है और अब पाकिस्तान में भी उसका एक और घर है। अंजू ने कहा है कि वो देशद्रोही नहीं है और वो जल्द नसरुल्ला के साथ भारत आएगी। हालांकि अपने बचाव के लिए मीडिया और भारत के लोगों पर सवाल खड़े करने वाले अंजू को लेकर भी आप सबको ये बातें जाननी चाहिए कि उसने भारत से जाने से लेकर पाकिस्तान में नसरुल्ला से निकाह और वहां रहने तक कई वीडियो में झूठे बयान दिए हैं, जिससे कि अंजू पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले अंजू जब भारत से पाकिस्तान गई तब भी उसने अपने पति से झूठ बोला कि वो अपने दोस्तों के साथ जयपुर घूमने के लिए जा रही है। इसके अलावा उसने अपने ऑफिस में ये बोलकर छुट्टी ली कि वो गोवा घूमने के लिए जा रही है। अंजू ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो सबसे पहला बयान दिया उसमें उसने बताया कि उसका पाकिस्तान आने का अचानक प्लान बना, लेकिन अंजू ने इसके लिए कई महीनों से प्लानिंग की थी। उसने पासपोर्ट बनवाया और कानूनी तरीके से पाकिस्तान का वीजा भी लिया। अंजू ने पाकिस्तान पहुंचते ही नसरुल्ला से शादी कर ली, लेकिन वो कई दिनों तक ये झूठ बोलती रही कि वो और नसरुल्ला महज दोस्त हैं और उन्होंने शादी नहीं की है और उसके शादी करने का भी कोई प्लान नहीं है। अंजू जब से पाकिस्तान गई उसने कई बार भारत लौटने की बात कही है, लेकिन अब अंजू की बातों में धोखा नजर आता है। अंजू की पाकिस्तान से लगातार जो वीडियो सामने आ रही हैं उससे ये बात तो साफ हो गई है कि अंजू पाकिस्तान के द्वारा दिए जा रहे लुभावने गिफ्ट्स और ऑफर्स में इतना रम चुकी है कि उसे अब उसके पीछे छुपे पाकिस्तान की साजिश नजर नहीं आ रही है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से एक वीडियो सामने आया था जिसमें पाकिस्तान की तरफ से अंजू को सम्मानित किया जा रहा था और इसके जरिए पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कितनी शांति है और वहां लोग कितने अमन और चैन के साथ रहते हैं।